मुस्कान, मुझे ना काफी दिनों से मेरे पैसे पूरे नहीं मिल रहे हैं। हमेशा कम पैसे मिलते हैं, दो चार नोट कम ही रहते हैं, पता नहीं क्यों। मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं देखे। अच्छा, तुम्हें भी नहीं पता, फिर कहाँ गए यार? क्या पता मुझे ही लग रहा होगा, क्या मैं कहीं भूल गया होगा। हाँ, वैसे भी तुम्हारी आदत है ना भूलने की, तुम ही कहीं खर्च करके भूल गए होंगे पक्का। ठीक कहा तुमने। चलो तुम फटाफट खाना बना दो, भूख लगी है। बस बस हो ही गया। मुस्कान सुनो, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, तुम इतने खाना लगा दो, ठीक है? ये सब कुछ और कब तक करना पड़ेगा? जब तक मेरे पास वो वीडियो है तब तक। तुम्हें शर्म नहीं आती? सागर तुम्हारा दोस्त है, वो क्या सोचेगा? तुमने सोचा नहीं? क्या कहा? अब मेरे सोचने से ही फर्क पड़ता है क्या तुम लोगों को? सागर तुम, मैंने तो लॉक लगाया था। लॉक लगाया था? आप शायद ये भूल गए कि ये घर मेरा है और इसकी एक डुप्लीकेट चाबी भी है जो मेरे पास रहती है, ना कि तुम्हारे पास। भाई वो चुप रहे। तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए, मेरी पीठ पीछे तुमने ये सब किया। सागर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती इसकी है। इसने धोखे से मेरे साथ वीडियो बना ली और फिर मुझे ब्लैकमेल करने लगा। बोल रहा था कि वीडियो तुम्हें दिखा देगा, और वो पैसे भी मैं ही चुराती थी। मैं क्या करती, ये मुझसे पैसे मांगने लगा। मैं परेशान हो गई थी, मुझे तंग करके रख दिया था। क्या कहा तुमने? धोखे से वीडियो बना ली? अरे मुझे तो तुमसे शर्म आ रही है, तुमसे घिन आ रही है कि पहले तुमने मेरे दोस्त के साथ अफेयर चलाया, फिर उसी ने तुम्हारी वीडियो बना ली और अब वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। तो उसमें गलती किसकी हुई? तुम्हारी ना, कि तुमने उसके साथ अफेयर क्यों किया और अब पछता रही हो? और तुम जैसी लड़की से शादी करके ना मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। और रही बात पैसे चुराने की ना, तो जिस दिन मैं ऑफिस गया था ना, उस दिन मैं कैमरे लगा कर गया था और तब मेरा शक हकीकत में बदल गया कि वो पैसे कोई और नहीं चुराता था बल्कि तुम चुराती थी इसको देने के लिए। और तू, तुझे तो मैं अपना दोस्त कहता था ना, दोस्ती के नाम पर ये सब करेगा? अभी सोचा नहीं था मैंने, तुझे जेल जाने से अब कोई नहीं रोक सकता। पुलिस को बुला दिया मैंने, आती होगी वो। और तुम, आज की आज डिवोर्स चाहिए मेरे को। आज के बाद ना अपनी शक्ल मत दिखा देना।